हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीलेश और मैं आप सबका स्टडी शार्प 360 में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम एस बी आई पी ओ के प्रीलियम्स में जो ट्रायंगुलर सीटिंग अरेंजमेंट पूछा गया था वो देखेंगे। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि एस बी आई पी ओ के प्रीलियम में पूछा गया था। और पिछले साल एस बी आई आई बी पी एस पी ओ की जो प्रीलियम हुई थी उसमें भी बिल्कुल इसी तरह का एक पजल पूछा गया था रीजनिंग में, ट्रायंगुलर। ये बहुत ही आसान पजल है और अगर आपको पता है कैसे सॉल्व करना है तो बिल्कुल आसानी से आप एक दो मिनट में ही इसके ऊपर जो चार पांच प्रश्न है उसका सही जवाब देकर आगे बढ़ सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हो। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। ऐसा करने से आपको जो लगातार अपडेट्स है वो मिलते रहेंगे। तो हम शुरू करते हैं। हमें दिया गया है कि एक ट्रायंगुलर अरेंजमेंट है जिसमें छह पीपल्स बैठे हुए हैं, जिसमें से तीन कॉर्नर पर बैठे हैं और तीन मिडल साइड्स पर बैठे हुए हैं। जो कॉर्नर्स पर बैठे हुए हैं वो इनसाइड फेस कर रहे हैं और जो मिडल साइड्स में बैठे हैं वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं। ओके, तो हम बना लेते हैं पहले। तो मेरी तो ये राय है कि आप एक की बजाय इस तरह के दो ट्रायंगल बना लीजिए। क्योंकि आप पॉसिबिलिटी ठीक तरह से बना पाओ और एक ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए आपको एक सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, एक या दो सेकंड, और आप आसानी से उसमें सब पॉसिबिलिटीज़ ले सकते हो। आप ऐसा साइड में लिखेंगे फिर उसमें पुट करेंगे तो उससे गड़बड़ हो जाएगी। ओके, तो सिक्स पीपल डी ई एफ जी एच आई सिटिंग इन अ ट्रायंगल, थ्री ऑफ देम कॉर्नर्स, थ्री ऑफ देम मिडल, कॉर्नर्स फेसिंग इनसाइड। और जो मिडल से वो सिटिंग आउटसाइड, कॉर्नर्स वाले अंदर फेस कर रहे हैं और जो मिडल्स में वो बाहर फेस कर रहे हैं। ओके, और फिर आगे क्या आइडिया है, डी सीट्स एट अ कॉर्नर, डी जो है वो एक कॉर्नर पर बैठा है, किसी भी एक कॉर्नर पर आप डी को ले लीजिए। फिर ई इज इमीडिएट नेबर ऑफ डी, तो फिर ई डी का नेबर है। तो फिर ये देखिए, यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी वाला केस आ गया। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, ई यहाँ पर हो सकता है या फिर ई यहाँ पर हो सकता है। टू पीपल सिट बिटवीन ई एंड जी, तो लेफ्ट में एक है राइट में, ये हमें पता नहीं, पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ई के लेफ्ट में दो तीसरा हो या फिर राइट में हो, दो यहाँ पर भी आएंगे, दो यहाँ पर भी आएंगे, तो फिर इसलिए जी यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पे टू पीपल सिट बिटवीन ई एंड जी, एच सिट टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, तो एच यहाँ पर आएगा, ये इनसाइड फेस कर रहा है तो उसके लेफ्ट में, यहाँ पर एच यहाँ पर आएगा। ओके, और एफ इज इमीडिएट नेबर ऑफ एच, तो इस केस में एफ यहाँ पर आएगा, यहाँ पर तो जी है, और यहाँ पर एच के साइड में कोई भी नहीं आ सकता क्योंकि इस तरफ डी है, इस तरफ जी है, तो ये जो है वो फॉल्स हो गया। तो ये जो है वो हमारा बिल्कुल सही अरेंजमेंट बन गया है, डी ई एफ एच जी और एक कौन सा छूटा, आए। तो ये इसके ऊपर कुछ प्रश्न पूछे गए थे। ओके, वो किस तरह के प्रश्न थे, हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन एच एंड डी, तो फिर एच और डी के बीच में कितने पर्सन्स है, दो, एच और डी के बीच में आप इस तरफ से काउंट करो या इस तरफ से काउंट करो, दो ही आएगा आंसर।
तो इस पहले का जवाब होगा दो। व्हाट इज द पोजिशन ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू आई? तो ई आई से क्या है, सेकंड टू लेफ्ट, या फिर एक दोन तीन चार, फोर्थ टू राइट। तो इन दोनों में से जो ऑप्शन में होगा वो आपको टिक करना है, सेकंड टू लेफ्ट या फिर फोर्थ टू राइट। हु इज इमीडिएट राइट ऑफ आई? तो आई आई बाहर की तरफ फेस कर रहा है, तो आई के इमीडिएट राइट में कौन होगा? जी। हु इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एफ? एफ के थर्ड टू लेफ्ट ये इन साइड फेस कर रहा है, तो आई। तो दो है इधर भी दो है, तो लेफ्ट हो या राइट हो आई ही आने वाला है। तो इसका कोई आंसर आएगा आई। ओके, तो इस तरह का ये ट्रायंगुलर सीटिंग अरेंजमेंट पूछा गया था SBIPO के प्रीलिम्स में, और ये इसी तरह का बिल्कुल पिछले साल जो IBPS PO का प्रीलियम था उसमें भी पूछा गया था, और अगले आने वाले एग्जाम्स में भी प्रीलियम्स में इस तरह का पूछा जा सकता है, और अगर मेंस में पूछा जाए तो मेंस में वो कम मार्क के लिए पूछा जा सकता है, या फिर अगर ज़्यादा मार्क के लिए पूछा जाए तो इसकी लेवल थोड़ी टफ बनाई जा सकती है। तो बिल्कुल उसी तरह का था जैसा कि सर्कुलर होता है या फिर स्क्वायर होता है, पर यह कुछ नया देखने को मिला है, पर अप्रोच बिल्कुल वही है, कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, सिर्फ थोड़ा पैटर्न बदला है। ओके, तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल स्टडी शॉप 360 को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद हम कुछ और पजल्स देखेंगे जो कि SBIPO के प्रीलिम में पूछे गए थे, फ्लोर पजल या फिर बॉक्स का पजल या फिर लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट का। तो बने रहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अब अगले वीडियो में हम फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बाय।